1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने वाला था तो गांधी ने विनोबा को अपने पास बुलाया। विनोबा को उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना था और इस जिम्मेदारी को देने के लिए वो उनसे कुछ बातचीत करना चाहते थे। जब विनोबा पहुंचे तो गांधी अपना जमीन पर जैसे उनका एक बिस्तर जैसा लगा रहता था वहां बैठे थे। गांधी ने विनोबा से एक प्रश्न किया। उन्होंने विनोबा से पूछा कि ये इतना जो कुछ भी मैं कर रहा हूं और जो कुछ भी मैंने किया है इसका क्या अर्थ है। विनोबा हतप्रभ, ये कौन सा सवाल गांधी ने पूछ दिया, इतना सारा आंदोलन, इतना संघर्ष, और आज गांधी मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये जो कुछ भी मैंने किया है ये सबका क्या अर्थ है। विनोबा ने कहा कि महाराज आप ही बताइए, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तब गांधी ने अपने बगल में रखी हुई लाठी को उठाया और दीवार पर एक बहुत बड़ा शून्य, जीरो बनाया और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका अर्थ शून्य है। शून्य? गांधी ने ऐसा क्यों कहा? वो विनोबा को क्या समझाना चाहते थे? कहते हैं कि गांधी के आध्यात्मिक शिष्यों में विनोबा सर्वोपरि थे। तो क्या किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है? जीवन का कोई मूल्य है? जीवन का कोई मतलब है? जीवन का कोई मकसद है या कुछ भी नहीं है? कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको दार्शनिक जो कहेंगे कि नहीं, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आप एक पॉइंट पर पैदा होते हैं और एक पॉइंट पर इस दुनिया में नहीं रहते हैं। इसके अलावा आपका कोई अर्थ, आपके वजूद का कोई सिग्निफिकेंस बिल्कुल नहीं है। दुनिया का मतलब तो आना और जाना है। तो क्या यही बात सच है? हम जब पैदा होते हैं तो एक परिवार में पैदा होते हैं और शुरू शुरू में वो परिवार ही हमें एक वैल्यू, एक अर्थ, एक मकसद देता है। हमें पता चलता है कि हम उस परिवार के सदस्य हैं, हमारा सरनेम ये है, हम एक समाज के हिस्से में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जापानी हैं, हम जर्मन हैं, हम फ्रेंच हैं, हम इंग्लिश हैं। ये सब पहचान, ये सब अर्थ हमें समाज, देश और दुनिया देती है और यही पहचान लेकर हम बड़े होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता के पास भी एक मकसद पैदा हो जाता है। उनके पास एक मकसद है कि उनके बच्चे हैं, उन बच्चों को पालना है, उनको बड़ा करना है, उनको समाज के लायक बनाना है, उन्हें योग्य बनाना है, उन्हें सफल बनाना है। और तब वो डिसाइड करते हैं, किसी इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को वैज्ञानिक, किसी को लीडर, किसी को बिजनेसमैन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माँ बाप के ख्यालों में रहती हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए एक मकसद के रूप में आ जाते हैं। अब वो अपने जीवन को एक अर्थ दे रहे होते हैं उन बच्चों को सही तरीके से बड़ा करने में। इसीलिए शायद कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी मार्मिक बात कही है। उन्होंने कहा कि लोग गलत कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को पालते हैं, सच्चाई तो ये है कि बच्चे माँ बाप को पालते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के होने से माँ बाप को एक मकसद मिल जाता है जीवन जीने का, उन्हें सफल बनाने का। और जब वो मकसद आप देखते हैं कि मेरे माँ बाप ने एक मकसद उठाया है, तो आप भी धीरे 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 ये समझने लगते हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या है। आप पढ़ाई करते हैं, आप चाहते हैं कि आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, ऐसे जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ कहाँ से आई है? आपके माता पिता के विचारों से, समाज के विचारों से, क्योंकि समाज चाहता है कि आप समाज के लिए योग्य बने। इंडिविजुअल में आप क्या हैं उसको बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता, वो चाहता है कि समाज में आप क्या योगदान दे सकते हैं। तो यूं तो सब ठीक है, अब आपने भी एक मकसद ले लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे जीवन में ये करना है, बड़े होकर ऐसा करना है, और आपने वो करना भी शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक अवस्था में पहुंचते हैं तो आपके अंदर एक खलासी पैदा होती है, एक शून्य सा बनने लगता है। और ये कब होता है? जब आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, जब आप किसी दुख की घड़ी में आते हैं, जब कोई हादसा गुजर जाता है, जब आपको कोई बहुत पीड़ा होती है, तब आपको लगता है कि अरे क्या जीवन का मकसद यही है जो मैं कर रहा हूँ? क्या जीवन का यही अर्थ है या इसका कोई अर्थ नहीं,
ये तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इस समाज से मुझे मकसद मिला हुआ है, तो मेरा मेरे अपने वजूद का कोई अर्थ है? ऐसे में आपके सामने धर्म आकर खड़ा हो जाता है। ये जो संगठित धर्म है, जो दुनिया में कई सारे धर्म हैं आप जानते ही हैं, और वो कहता है कि आप मेरे पास आइए, मैं बताता हूँ जीवन का मकसद क्या है। दरअसल ऐसा है कि आपको ईश्वर ने पैदा किया है और उसने कुछ नियम और रास्ते बताए हैं जिस पर चलते हुए आपको फिर ईश्वर के पास पहुंच जाना है, ईश्वर को प्राप्त कर लेना है। अब एक गेम प्लान जैसा है, आपको किसी ने इस दुनिया में छोड़ दिया है और आपको उस रास्ते पर चलते चलते ईश्वर तक पहुंचना है। अब आपको लगता है कि आपको एक मकसद मिल गया है, समाज ने एक मकसद दिया ही था, अब धर्म ने भी आपको मकसद दिया। पर मुश्किल एक बड़ी है इसमें, मुश्किल ये है कि सभी धर्म अलग अलग तरीके से बताते हैं और सबके अपने ईश्वर हैं, सबके अपने रास्ते हैं, सबके अपने मार्ग हैं, सबके अपने पाथ हैं। अब उससे चलते हुए ही आप वहाँ तक पहुँचेंगे। आप दूसरे वाले से, उसके पाथ से, उसके ईश्वर के पास नहीं, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए धर्म भी आपको एक मकसद देता है। और क्या मकसद देता है? वो मकसद कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म के अंदर लाएं। आप जानते हैं कि धर्मों में, यानी जिसको रिलीजन कहते हैं, धर्म की एक भारतीय व्याख्या, एक सनातन व्याख्या थोड़ी अलग है, लेकिन जिसको हम लोक भाषा में धर्म कहते हैं या रिलीजन कहते हैं, उसमें तो खैर ऐसा ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आपके धर्म में आए, क्योंकि ये वाला सही है, वो वाला सही नहीं है, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, एक संघर्ष पैदा होता है। और दुनिया में धर्मों ने जितना उपद्रव मचाया है, शायद ही किसी और चीज़ ने। तो बारहा ऐसा लगता है कि धर्म की शरण में, रिलीजन की शरण में आकर आपको आराम महसूस होता है। अब बहुत चिंता नहीं है, अब बहुत बेचैनी नहीं है, अब मुझे लगता है कि मुझे सही रास्ता मिल गया है, अब इसी रास्ते पर चलते रहना है। लेकिन आपको उस पर चलते हुए भी कहीं एकांत में, मन के कोने में, दिल में ये सवाल उठता है कि क्या यही सच है? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था, तब तो मैं धर्म का कॉन्सेप्ट लेके नहीं पैदा हुआ था, तब तो मेरे पास ईश्वर की चेतना नहीं थी, हमें ईश्वर का विचार नहीं मिला था। जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो जो पहला विचार, जो पहली चेतना हमारे अंदर आती है, वो स्वयं की है, वो अपने की है कि मैं हूँ। और तब आगे बढ़ते हुए आप धर्म और बहुत सारी चीज़ों की तरफ आप जाते हैं और आपको ईश्वर का विचार मिलता है, लेकिन वो जन्म से तो नहीं दिखता आपके अंदर, उसे भी कोई समझाता है, कोई बताता है? ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कुछ ऐसे दार्शनिक आते हैं जिन्हें आप पिछले ज़माने में अस्तित्ववादी, यानी जो एग्जिस्टेंशलिस्ट कहा जाता था, जो अस्तित्व को लेकर एक जिज्ञासा करते थे। उनका कहना है कि कैसे कोई दूसरा आदमी तय कर सकता है कि आपके जीवन का मकसद क्या है, आपके जीवन का अर्थ क्या है? ये जीवन आपका है, इस जीवन का अर्थ आपको ही ढूंढना है, आपको किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चलते इस जीवन का अर्थ नहीं मिलने वाला है। कोई आप वस्तु तो है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कोई भौतिक चीज़ तो है नहीं कि ये तय हो जाए कि पहले से आपका उद्देश्य कुछ है। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई कुर्सी है, कोई मेज है, कोई कार है, कोई चाकू है, कोई बंदूक है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, इसका उद्देश्य, इसका विचार, इसका एसेंस, इसका सार पहले से ही तय हो जाता है। अब जिस आदमी ने बंदूक बनाई होगी, उसने पहले से ये विचार आया होगा कि एक ऐसी चीज़ बनाए जो हथियार हो और एक साथ बहुत सारे लोगों को उससे मारा जा सके, और उसमें सिस्टम ऐसा ऐसा हो, और तब बंदूक जो है वो अस्तित्व में आई। एक कुर्सी जो है वो चाहे लोहे की हो, काठ की हो या पत्थर की हो, लेकिन उसका विचार पहले आया होगा कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिस पर आराम से बैठा जा सकता है, उस पर बैठ के कुछ काम किया जा सकता है, और तब कुर्सी जो है अस्तित्व में आई होगी। लेकिन आदमी, मनुष्य, चेतना क्या पहले से तय हो सकता है? क्या किसी के पैदा होने के पहले से ये विचार बनाया जा सकता है? जैसा कि ईश्वरवादी कहते हैं कि पहले से तय है कि आपको फला जगह पैदा होना है और ऐसे ऐसे चलना है और ईश्वर से जाके आपको वो मिलना है, तो क्या पहले से तय है कि कोई आदमी जो पैदा होता है वो क्या होगा? वो इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, नेता होगा, क्रिमिनल होगा, क्या होगा? नहीं, पहले से संभव ही नहीं है। वो तो आदमी पैदा होने के बाद जैसी यात्रा करता है, जैसे जैसी चीज़ें करता है, वो खुद अपने आप को एक मीनिंग देता है।
वो बढ़ते हुए क्रम में जीवन में तमाम प्रश्नों का उत्तर देते हुए, तमाम संघर्षों को झेलते हुए वो अपना एक व्यक्तित्व बनाता है और वही उसके जीवन का, उसके अस्तित्व का अर्थ होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले अस्तित्व आया और तब उसके सामने एक उद्देश्य आया। अस्तित्व ही वो चीज़ तय करता है, अस्तित्व ही वो मीनिंग तय करता है जो उस अस्तित्व का या उस वजूद का होना है। इसे पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता, पहले से तय नहीं किया जा सकता। ये जो आइडिया है, ये जो चैतन्य सत्ता है, ये जो कॉन्शसनेस है, ये जो ह्यूमन है, इसका पहले से कोई निश्चित पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। ये अपने कर्मों द्वारा, अपने क्रियाकलापों द्वारा, अपने विचारों द्वारा, अपने एक्शन द्वारा ही अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को एक वैल्यू, एक मीनिंग देता है। वरना तो किसी को क्या पता कि जीवन का अर्थ क्या है। अगर शेक्सपियर से पूछेंगे तो वो तो कहता है कि लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। जीवन एक ऐसी कहानी है जिसे मूर्ख ने कही है। अब इसका क्या अर्थ है? मूर्ख कहानी कैसे कहेगा? मूर्ख तो ऐसी कहानी कहेगा ना जिसका ओर हो न छोर, न उसका आदि हो न उसका अंत। बीच से कोई कहानी शुरू हो गई, बीच से कहीं कुछ गायब हो गया, कहानी बीच में कहीं रुक गई, कहीं उलट गई, कहीं कोई लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, कोई लॉजिकल चीज़ उस कहानी को नहीं बताती है। तो मूर्ख तो ऐसी ही कहानी कहेगा। तो क्या जीवन में ऐसा देखते हैं? ऐसा देखते नहीं हैं। आपको लगता है कि ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, ये बहुत आगे जाके नाम करेगा। कई बार ऐसा होता है, पर बार ऐसा नहीं भी होता। आप जिससे बहुत उम्मीद करते हैं वही फेल हो जाता है। आप अपने जीवन में भी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में आपको लगता है कि इस वाले पेपर में मुझे अच्छा नंबर मिलेगा, मिल जाता किसी और ले। आप अपने संघर्षों में आपको लगता है यहाँ नौकरी अच्छी मिलेगी, पता चला वहाँ नहीं मिलती, जहाँ आपको उम्मीद नहीं थी वहाँ नौकरी अच्छी मिल गई। तो ये एक ऐसी ही कहानी है जिसको शेक्सपियर कहता है कि एक मूर्ख के द्वारा कही गई कहानी है जिसका कोई अर्थ आप कह सकते हैं। इसीलिए कई दार्शनिकों ने इसे एब्सर्ड कहा है। एब्सर्ड कहने का मतलब यही है कि इसका कोई लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। हम उम्मीद कुछ करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, होता कुछ है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसको इस रूप में देखना चाहिए कि इसका अर्थ पीछे कहीं ढूंढने के बजाय अपने साथ देखना चाहिए। वो जो आप करते हैं, वो जो आप होते हैं, वो जो आप बनना चाहते हैं, वो जो कुछ करना चाहते हैं और जो कुछ भी आप करते हैं, वही आपके जीवन को एक अर्थ देता है, एक मीनिंग देता है। और शायद इसीलिए अगर आप धर्म से पूछेंगे तो धर्म कह देगा कि आप ईश्वर द्वारा पैदा किए गए हैं और आपको बस ईश्वर को प्राप्त करना है, यही आपके जीवन का मीनिंग है। लेकिन बहुत सारे दार्शनिक कहेंगे कि इस तरह से सोचना एक बहाना बनाना है, एक बहाना ढूंढना है जीवन को कि अरे अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है इसलिए मैं यही कर सकता हूँ, मेरे में इतनी ही प्रतिभा है, उसने मुझे ऐसे ही दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो परिस्थितियों का दास हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो एक अजीब सी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जीवन में कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं अपने को बहला ले जाने के लिए, अपने को फुसला ले जाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, और जब बेचैन मन को कोई भी ऐसी दवा मिलती है तो उसे एक्सेप्ट तो कर ही लेता है। तो अगर आप धर्म से पूछेंगे तो वो जवाब दे देगा, अगर आप समाज से पूछेंगे तो वो बता देगा कि तुम समाज के लिए कितना योगदान करते हो, यही तुम्हारे जीवन का अर्थ है। आप दार्शनिकों से पूछेंगे तो मुस्कुरा के कह देंगे कि जीवन कौन जानता है इसका अर्थ क्या है। पर अगर आप शैलेंद्र जैसे कवि से पूछेंगे तो उनका तो यही कहना है कि जिंदगी ख्वाब है, और ख्वाब में झूठ है क्या, और भला सच है क्या। तो अगर जिंदगी ख्वाब है तो इसमें मीनिंग ढूंढना तो बेकार ही है ना। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्वाब में भी, ड्रीम में भी, सपने में भी एक अर्थ ढूंढते जरूर हैं। और कुछ लोग का तो यहाँ तक कहना है कि ये ख्वाब, ये सपने, ये ड्रीम ही तो हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक वैल्यू देते हैं, एक मीनिंग देते हैं, एक मकसद देते हैं।